जय माँ काली। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के इस चैनल में। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसा वीडियो जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसे वीडियो तो बहुत देखे होंगे जिसमें प्यार पाने का, मोहब्बत पाने का या अपने प्रेमी प्रेमिका से हमेशा के लिए पास आने के उपाय बताए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिसके द्वारा आप किसी से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई ऐसा बॉयफ्रेंड है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं उससे ब्रेकअप करना, आप चाहते हैं उससे अलग होना, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपका बॉयफ्रेंड या आपकी प्रेमिका आपकी जिंदगी से खुद ही चली जाएगी। आपको किसी भी तरह का कुछ भी उपाय नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा, उससे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल शांति से उसको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये करने का तरीका क्या है। दोस्तों इसे करना बहुत ही आसान है। तो आप इसे करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये इस तरह का एक पत्ता जिसे कि हम कलमुखी बोलते हैं। आपको कलमुखी का सिर्फ एक पत्ता चाहिए होगा। ये आपको आपके घर के आसपास कहीं भी जहां पर भी वाइल्ड ग्रास लगी रहती है, जंगली झाड़ फूस रहते हैं, वहां पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको चाहिए 4 काली मिर्च के दाने और तुलसी के बीज। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के पास अगर तुलसी का पौधा हो तो आप वहां से तुलसी के बीज ले आइए। और साथ ही आपको चाहिए होगा लाल वाला कुमकुम, लाल वाला सिंदूर। बस इन 4 चीजों की मदद से आप किसी से भी अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो कलमुखी का पत्ता है उसे अच्छे से धो के साफ कर लें। उस पर जो भी धूल मिट्टी हो वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक कलम की सहायता से आपको लिखना है उसका नाम जिसे आप अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। तो आप अपने प्यार का नाम इस पर लिख दीजिए। ऐसे लिखना है आपको। और उसके बाद इसके नीचे आपको एक लकीर खींच देनी है इस तरह से, यानी कि इसको आधा कर देना है आपको। और उसके नीचे लिखना है आपको अपना नाम, इस तरह से लिख दीजिए। और नीचे अपने नाम के नीचे, ठीक नीचे आपको लिखना है जय माँ काली। जी हाँ, काली माँ की कृपा से आपका काम तुरंत हो जाएगा दोस्तों, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमने तुलसी के बीज रखे हुए थे उसे आप इस पे रख दीजिए, जहां पर आपने लकीर खींची है वहां पर तुलसी के बीज रख दीजिए। और जो काली मिर्च के दाने हमें इस्तेमाल करने थे वो आपको जहां पर आपने अपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिससे आपको जिंदगी में अलग होना है, वहां पर आपको काली मिर्च के दाने रख देने हैं। और अंत में आपको इसके ऊपर चढ़ा देना है सिंदूर, तुलसी के दान जो बीज है उसके ऊपर आपको डाल देना है सिंदूर। इस तरह से आप सिंदूर रख दीजिए। और इसे करते समय आपको पूरी तरह से बस एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र है ओम भद्रकाली नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम भद्रकाली नमः। ये आपको 108 बार बोलना है। और 108 बार जब आपका पूरा हो जाए तो आप इस पत्ते को इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से मोड़ दीजिए, इसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप इसे, जब ये मंत्र आपका पूरा 108 बार हो चुका होगा, उसके बाद आपको ले जाना है इसको, और जहां से आपने इस पत्ते को उठाया था जिस जगह से, वहीं ले जाकर आपको मिट्टी में इसको गाड़ देना है। मिट्टी में गाड़ते ही ये आपके मित्र या आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड से आपको हमेशा के लिए अलग कर देगा। वो आपकी जिंदगी से चुपचाप चली जाएगी, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, सिंपल तरीके से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। तो आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों। इसे करने का सबसे अच्छा दिन जो है वो है शनिवार का दिन, लेकिन आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शनिवार के दिन करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जल्दी इफेक्टिव होता है, यानी कि कुछ ही घंटों में आपका काम हो जाता है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने घर में इसे कर रहे होंगे उस समय
कोई भी आपके आसपास ना हो, कोई भी ये पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इसे कीजिए और उसके बाद इसको प्रवाहित भी अकेले ही जाकर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपका कोई सवाल हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई और आपका मसला हो, कोई और समस्या हो, तो आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा। गुरुजी आपकी हर समस्या का निवारण करेंगे। दोस्तों आज का आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।